दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित बाबा हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह पूरे विश्व के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस दरगाह की खास बात यह है कि यहां पर हर धर्म के लोग बाबा से मन्नत मांगने आते हैं। ये खूबसूरत और भव्य दरगाह मुंबई के बीचों बीच बनी हुई है, जिसकी देखरेख सुन्नी समूह के बरेलवी संप्रदाय द्वारा की जाती है। दोस्तों, जब इंसान की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि धन दौलत दवा भी किसी काम की नहीं रहती, ऐसे में इंसान असहाय और डबडबाई आँखों से सिर्फ एक विश्वास लेकर उसकी चौखट पर पहुँचता है, जहाँ पर दुनिया के सारे असंभव कार्य होते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सचमुच उस दरवाजे से जब रहमत बरसती है तो भक्त अभिभूत होकर नतमस्तक हुए बिना रह नहीं पाते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाजी अली दरगाह के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की हाजी अली दरगाह बहुत ही चमत्कारिक है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है तो इसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों नहीं डूबती समुद्र में हाजी अली की दरगाह। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी जगह में से एक है हाजी अली की दरगाह। एक ऐसी दरगाह जिसमें इतनी ताकत है कि समुद्र की तेज लहरें भी इसको छू नहीं पाती। चाहे सुनामी आए या बाढ़, लेकिन पानी की एक बूंद भी इस दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सोचने वाली बात है ना, इसीलिए ये दुनिया भर में चमत्कारी जगह में से एक मानी जाती है। तभी तो समुद्र के बीचों बीच बनी ये दरगाह सदियों से वैसी की वैसी है। हालांकि दोस्तों, समुद्र के किनारे से इस दरगाह तक पहुँचने के लिए एक पुल बना हुआ है जो समुद्र में उठने वाली तेज लहरों में गुम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समुद्र की लहरों का एक बूंद पानी भी इस दरगाह के अंदर नहीं आता। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती, और क्यों यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है? दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद हाजी अली की दरगाह उन पवित्र स्थलों में से एक है, जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन और विश्वास के साथ अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दरगाह में धागा बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाजी अली दरगाह के प्रति लोगों की श्रद्धा भावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहाँ जाकर सभी लोग सच्चे दिल और आस्था से अल्लाह को याद करते हैं। साल 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है, जहाँ पर कई सारे नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं, अल्लाह से अपने घर और परिवार की सुख शांति के लिए दुआ करते हैं। पर आज हम इस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं। सफ़ेद रंग की इस आकर्षित दरगाह में एक 85 फीट की मीनार बनी हुई है, जिसकी नक्काशी बेहद ही खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं, जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मजार को लाल और हरे रंग के कपड़ों के साथ सजाया गया है, और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है, और ये सभी चीजें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं, और दरगाह देखने में भी काफी आकर्षित लगती है। दोस्तों, हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी है, जहां जाने के लिए आपको खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहां जाने के लिए एक पुल बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ से समुद्र की लहरें लगातार अपना आतंक दिखाती रहती हैं, और जब तूफान आता है तो पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच समा जाता है, और फिर कहिए कि पानी में ऐसा गायब हो जाता है कि दिखता ही नहीं। इस बीच अगर कोई पुल में खड़ा हो तो उसे समुद्र अपने आगोश में ले लेता है। पर दोस्तों, समुद्र चाहे कितना भी आतंक क्यों ना दिखा ले, ये दरगाह कभी नहीं डूबती। इस दरगाह की इन्हीं चमत्कारी शक्तियों की वजह से ही दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल बंदा हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला सेलिब्रिटी। और यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर अपना माथा टेक सकते हैं। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, और फिर चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, हाजी अली में अल्लाह के दर्शन किए बिना नहीं जाते। श्रद्धालुओं की अपने प्रति श्रद्धा देखकर अल्लाह भी उन्हें हर परिस्थिति से बचाते हैं, और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं देते, और अपने बंदों की मदद
मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे और एक बार जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में नमाज पढ़ रहे थे तभी उनके पास से रोते हुए एक महिला गुजरी। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि वो तेल खरीदने गई थी लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया और पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब वो जब घर जाएगी तो उसका पति उसको मारेगा। वो महिला बहुत ही डरी हुई थी। महिला की सारी बातें सुनकर हाजी अली को महिला पर दया आ गई और उसे चुप रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर तुम्हारे बर्तन से तेल गिरा था। वो महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई। वहां पहुंचते ही हाजी अली ने जमीन पर एक अंगूठा गाड़ दिया और कहा जाता है कि जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना अंगूठा निकाला तो वहां से तेल का फवारा बहने लगा, जिसे देखकर महिला इतनी खुश हो गई कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने तुरंत गिरते हुए तेल से अपने बर्तन को भरना शुरू किया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन दोस्तों हाजी अली को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। उनका मन बेचैन रहने लगा, यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ गए। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि हाजी अली को ऐसा लगता था कि एक महिला को दुखों से निकालने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुँचाई है, जिससे वो गहरी सोच में पड़ गए। और इन्हीं सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हाजी व्यापार करने अपने भाई के साथ मुंबई उस जगह पर पहुंच गए जहां पर आप हाजी अली दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया लेकिन हाजी अली वहीं पर रुक गए और वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। हालांकि इनसे जुड़ी एक और कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों को दान में दे दी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान इनकी मौत भी हो गई। ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए और ठीक ऐसा ही किया गया। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि जब उनका ताबूत पानी में बढ़ाया गया तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो ताबूत बिना डूबे समुद्र के साथ बहते बहते मुंबई आ पहुंचा और उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना को देखने के बाद लोगों को विश्वास हो गया कि इनमें कोई न कोई असामान्य शक्ति मौजूद है। ताबूत में मौजूद शव किसी साधारण मनुष्य का शव नहीं हो सकता, इसलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुद्र का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली की दरगाह मुंबई तट पर बने एक छोटे से टापू पर बनी है। दोस्तों तमाम मुस्लिमों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो जाए या फिर पूरा मुंबई क्यों ना डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं आता। अभी ये तो आप भी जानते हैं कि मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में समुद्र का पानी अपनी जोरदार लहरों से तबाही मचाने के लिए तैयार होता है, पर चाहे जितना भी रौद्र रूप क्यों ना ले ले वो हाजी अली की चौखट को पार नहीं कर पाता। दरगाह से जुड़े चमत्कारों के बारे में आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन इस दरगाह से जुड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है। असल में दोस्तों इस दरगाह में महिलाओं का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, यहाँ केवल पुरुष ही जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर महिलाओं को ना करना सही है या फिर आप भी इसे गलत मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आपको देते हैं कुछ और जानकारी एक ब्रिज के बारे में। दोस्तों कोलकाता शहर की खूबसूरती हर किसी को पसंद आती है, विदेश से आए यात्रियों को तो ये शहर बेहद ही पसंद आता है। यहाँ पर कई ऐसी स्मारक हैं जो शहर में आकर्षण का केंद्र है। अगर आप कभी कलकत्ता गए हैं तो दोस्तों या फिर उसके बारे में कुछ सर्च ही किया हो तो आपने हावड़ा ब्रिज के बारे में जरूर सुना होगा। ये ब्रिज काफी सुंदर है, लेकिन इसे लेकर एक अजीब बात ये है कि ये ब्रिज रात के 12 बजे बंद हो जाता है। दोस्तों यूं तो भारत और दुनिया भर के देशों में ना जाने कितने पुल हैं, लेकिन इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो अपनी किसी खास बात के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखते हैं। ऐसा ही एक पुल अपने भारत देश में भी है। ये पुल सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात तो यह है कि वर्ल्ड फेमस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ।
इस पुल से जुड़ी कई रोचक बातें। दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियर्स के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर किसी फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो नहीं सकता जिसमें हावड़ा ब्रिज का शॉट या फिर सीन ना हो। चाहे वो पीकू हो या गुंडे, यानी अगर कहें तो ये हावड़ा ब्रिज ही है जिसके लिए कोलकाता अपनी मिठाइयों में ज्यादा फेमस है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियर का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज तक इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी हर बात बताने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस ब्रिज का निर्माण कैसे हुआ था। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद वर्ष 1874 में सर ब्रेडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया था। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। दोस्तों, तब तक इस पुल की जगह पर एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इस वजह से काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने से कुछ साल के बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम दर की निविदा जमा की थी, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मन की फर्म को ठेका नहीं दिया गया। बाद में दोस्तों ये काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो पायों पर टिका हुआ है। इसके दोनों पायों के बीच की पूरी 1,500 फीट की दूरी है। दोस्तों, नदी में कहीं कोई पाया नहीं है। इसकी खासियत ये है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों या फिर रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्रैम गुजारी थी, लेकिन वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर ट्रैमों की आवाजाही बंद कर दी गई। 75 साल पूरे होने पर एक कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित की गई। दोस्तों, इससे ब्रिज के जन्म से लेकर अब तक का सफर को तस्वीरों के जरिए उकेरा गया है। ये ब्रिज बीते खासकर 1.5 दशकों के दौरान कई हादसों और तकनीकी समस्याओं का भी शिकार रहा है। आइए अब जानते हैं इस ब्रिज के बारे में और ज्यादा विस्तार से। 12 बजे बंद हो जाता है हावड़ा ब्रिज। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज को हर रात 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। दरअसल वहां के आसपास के लोगों का मानना है कि रात के 12 बजे ब्रिज के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल है क्यों, क्या सच में इस बात में सच्चाई है? आइए जानते हैं। दोस्तों, पुल बनाने वाले इंजीनियर्स ने क्या कहा था। इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर्स ने कहा था कि खंबे अगर कभी गिरेंगे तो 12 बजे गिरेंगे। ऐसा इंजीनियर्स ने पुल के बन जाने के बाद कहा था। ये मिथक पूरे विश्व में काफी प्रचलित है। अगर आप कोलकाता जाते हैं तो आपको वहां पर भी ये ही सुनने को मिल जाएगा। जहाजों की आवाजाही न रुके इसीलिए बनाई है ये योजना। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा ब्रिज के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल इन जहाजों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता था, इसीलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1947 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय इस दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था।
कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर साल 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु भी रखा गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।